नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं स्टीम पावर प्लांट पार्ट 2, और इस पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टीम पावर प्लांट की वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहले पार्ट में हमने लेआउट और कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। स्टीम पावर प्लांट की मदद से पूरी दुनिया में तकरीबन 41% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और स्टीम पावर प्लांट मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल के आधार पर कार्य करता है। तो अब बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट कैसे काम करता है। कोल स्टोरेज में जो कोल स्टोर किया होता है उसे कोल हैंडलिंग में भेजा जाता है ताकि उसे पल्वराइज्ड कोल में बदला जा सके, और कोल हैंडलिंग से एक प्रॉपर डिजाइन सिस्टम की मदद से पल्वराइज्ड कोल को बॉयलर फर्नेंस के कंबस्चन चैम्बर में फीड किया जाता है। कंबस्चन चैम्बर में पल्वराइज्ड कोल को बर्न किया जाता है, और पल्वराइज्ड कोल के बर्न होने से जो हीट मिलती है उसका प्रयोग बॉयलर सेल के वाटर स्पेस में मौजूद वाटर को हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, और इसके बाद बॉयलर सेल के स्टीम स्पेस से इस हाई प्रेशर सैचुरेटेड या वेट स्टीम को बॉयलर एक्सेसरी के अंतर्गत आने वाले डिवाइस सुपर हीटर में भेजा जाता है, और यहाँ हाई प्रेशर सैचुरेटेड या वेट स्टीम को बॉयलर फर्नेस के कंबस्चन चैम्बर में कोल बर्न होने से निकलने वाली हॉट बर्नड एग्जॉस्ट गैसेस का प्रयोग करके रीहीट किया जाता है, और सुपर हीटर के आउटलेट पर सुपर हीटेड और ड्राई स्टीम मिलती है, और उसको फिर टर्बाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ सुपर हीटेड स्टीम टर्बाइन के ब्लेड्स को स्ट्राइक करती है हाई स्पीड के साथ, जिससे टर्बाइन ब्लेड भी हाई स्पीड पर रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार सुपर हीटेड स्टीम में मौजूद पोटेंशियल एनर्जी को टर्बाइन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। टर्बाइन रोटर जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल्ड होता है। जैसा ही टर्बाइन रोटर रोटेट करता है उससे अटैच शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू कर देती है सेम स्पीड के साथ, और इस प्रकार जनरेटर की मदद से टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जिस समय सुपर हीटेड स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स को स्ट्राइक करती है उस दौरान सुपर हीटेड स्टीम की ज़्यादातर एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम ही टर्बाइन के आउटलेट से निकलती है, और इसके बाद लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंसर में एंटर करती है। कंडेंसर में कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर को सर्कुलेट किया जाता है, और कंडेंसर में कूलिंग वाटर की मदद से लो प्रेशर एग्जॉस्ट वेट स्टीम को कंडेंस कर वाटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद कंडेंसर से कंडेंस्ड वाटर को और फीड वाटर पंप की मदद से फीड वाटर को इकोनोमाइजर में भेज दिया जाता है। इकोनोमाइजर भी बॉयलर एक्सेसरी के अंतर्गत आता है, जिनका प्रयोग बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर फीड और कंडेंस वाटर को बॉयलर में भेजने से पहले बॉयलर के कंबस्शन चैम्बर से निकलने वाली हॉट ब्रंट गैसेस की मदद से फिर से गर्म कर लिया जाता है, और इस प्री हीटेड फीड वाटर को बॉयलर के वाटर स्पेस में भेज दिया जाता है, और इसके बाद फिर से उसी साइकिल को रिपीट किया जाता है। इस हॉट फीड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। बॉयलर के कंबस्शन चैम्बर से निकलने वाली जो हॉट ब्रंट गैसेस हैं वो सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर से होती हुई चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाती हैं, और यहाँ पर जो एयर प्री हीटर है यह भी बॉयलर एक्सेसरी के अंतर्गत आता है, और इसका काम होता है बॉयलर के कंबस्चन चैम्बर में एयर को भेजना, लेकिन जो एटमॉस्फेयर से एयर आती है उसको एयर प्री हीटर पहले ही रीहीट कर लेता है हॉट ब्रंट गैसेस की मदद से, उसके बाद प्री हीटेड एयर को कंबस्चन के लिए कंबस्चन चैम्बर में भेज दिया जाता है, और जो चिमनी यहाँ पर लगी हुई है चिमनी का काम होता है कि जो हॉट ब्रंट या एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करना, और इसमें एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने के लिए चिमनी की हाइट को एप्रोप्रिएट रखा जाता है ताकि आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से हॉट ब्रंट गैसेस से कुछ इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद जो कोल बर्न होता है फर्नेस के कंबस्चन चैम्बर में वह ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ऐश को फिर
एस हैंडलिंग में भेजा जाता है, क्योंकि जो टोटल कोल कंजप्शन होती है उसका 30 से 40% एस बनता है, और एस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल के लिए उसको एस हैंडलिंग में भेजा जाता है, और एस हैंडलिंग से फिर एस को एस स्टोरेज में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से स्टीम पावर प्लांट कार्य करता है। अब बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट की कुछ एडवांटेज के बारे में। अगर स्टीम पावर प्लांट को किसी दूसरे पावर जनरेटिंग प्लांट जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर उससे कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में स्टीम पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट भी कम होती है और यह इकोनॉमिकल भी होता है, और हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में कम लैंड एरिया की ज़रूरत होती है स्टीम पावर प्लांट के लिए, और इसमें फ्यूल के रूप में कोल इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे फ्यूल जैसे पेट्रोल व डीजल के कंपैरिजन में सस्ता है, और इसीलिए पावर जनरेशन की कॉस्ट भी कम है, और इसमें जो मेंटेनेंस होती है वो आसान और उस पर कम खर्च आता है, और जहाँ पर वाटर सोर्स अवेलेबल हो और बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो ऐसी जगहों पर स्टीम पावर प्लांट को लगाना आसान रहता है। इसके बावजूद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे स्टीम पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर स्टीम पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें जो 35 से 42% के बीच में होती है तो वह कम है। कोल बर्न होने से जो हॉट ब्रंट गैसेस निकलती हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक माना जाता है लार्ज एक्सटेंट तक। जो हीटेड वाटर जो स्टीम पावर प्लांट से निकलता है उसको जिस नदी या तालाब में छोड़ा जाता है उससे नदी या तालाब में रहने वाले जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिससे कह सकते हैं इकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों आज हमने जाना स्टीम पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।